हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी। सबका स्वागत है आपका यहाँ पे। देखिए, टैक यूपीएससी सीएसई इन हिंदी विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिंदी। हिंदी में करते हैं। सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपको मिलता है, ध्यान रखिए, आप इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो कहीं और शायद की बात नहीं है, कहीं और मिल ही नहीं सकती। आप ये देख लीजिए, और जो फीस होती है उसके मुकाबले काफी कम होती है। डेली के डेली आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, तो पूरा ऑफलाइन क्लास वाला एक्सपीरियंस, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपकी शंका है, समाधान है, उसको भी क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस, अपनी तैयारी का मूल्यांकन अगर आपको करना होता है तो आपको टेस्ट और क्विजेस में पार्टिसिपेट करना होता है, तभी आपको आपकी तैयारी का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। मतलब आपकी तैयारी कहाँ तक है ये आपको पता चलता है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, जो भी कोर्सेस यहाँ पर हैं वो एग्जामिनेशन सिलेबस वगैरह को ध्यान में रखकर बनाई गई है ना। सिलेबस को ध्यान में रख के, क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के, मतलब पूरा जो यूपीएससी पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर यहाँ कोर्सेस बनाई जाती है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके पास खुल जा सिमसिम वाली स्थिति आ जाती है। लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस हजारों, आपके पास सिर्फ एक डिवाइस होना चाहिए, कोई भी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, डेस्क, कुछ भी हो, और सिर्फ इंटरनेट बस, और पूरी यूपीएससी की तैयारी आपके हाथों में, अपने हाथों में। गूगल प्ले पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। ये आप मेरे साथ भी पढ़ते हैं, ये परिचय छोटा सा मेरा, जिसको मैं खुद नहीं बोल सकता, आप खुद देख लेंगे इसे। और ये मेरा लिंक है, टेलीग्राम लिंक, जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है क्लासेस की, अन अकेडमी पर होने वाले क्लासेस की। 15,519 से ज्यादा कोर्सेस यूपीएससी के आपने यूपीएससी और के आपको यहाँ मिलते हैं। और आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो ध्यान में रखिए, सिर्फ एक टीचर नहीं, यहाँ सैकड़ों टीचर, हजारों कोर्सेस, कहीं नहीं मिलता इतना। उसके मुकाबले आप फीस कितनी देख रहे हैं, जितनी फैसिलिटी यहाँ मिलती है उसके हिसाब से यहाँ जो फीस होनी चाहिए कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, कम से कम ना। जितने टीचर्स हैं आपको पढ़ाते हैं, जितने कोर्सेस आपको मिलते हैं उसके हिसाब से, तो ये भी कम है मैं बता दूं। लेकिन आपकी फीस कितनी है, देखिए पूरे एक साल की सिर्फ 44,000, घर बैठे, ना कहीं जाने का खर्च, ना कहीं रहने का खर्च, ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, किसी भी चीज का खर्च नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी पेमेंट देकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 44,000 का होता है। अभी देखा आपने, 24 का 64,000, मतलब 2 साल तक की तैयारी आप कहीं भी करेंगे बाहर निकल के घर से, तो आप ये समझ लीजिए कि 4 से 5 लाख रुपए आपके कम से कम लगने हैं, ज्यादा ही लगेगा, लेकिन आप फिर भी घर बैठे बहुत कई गुना ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। एनकेसीवस रेफरल कोड, अगर आप इसको रेफर करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी होते हैं। तो थी लाइव प्लस कोर्सेज की बात, जिसमें आपको ये फैसिलिटीज मिल रही थी मैंने बता दी। आइकनिक कोर्स आपको अकेडमी पर मिलता है, जो कि बहुत ही स्पेशल कोर्स है, जिसमें आपको स्पेशल कोच भी मिलता है सिर्फ आपके लिए। अगर इसको देखा जाए तो इस पर्सनल कोच की ही फीस 2 से 3 लाख हो जानी चाहिए एक अकेले पर्सनल कोच की। इन सब बाकी जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है उसके हिसाब से इस कोर्स की फीस 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं सिर्फ 64,000, कुछ भी नहीं है ना। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो आप उससे पेमेंट करेंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट आप देखिए कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, स्टडी प्लान भी कराया जाता है, पर्सनल फीडबैक भी मिलता है, और ये एनकेसीओएस रेफरल कोड डालने के बाद ये फीस और भी कम हो जाती है। 2 साल की जो फीस है वो 99,000, और रेफरल कोड डालने के बाद ये 89,000। तो हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की। 1950 से 1990 के बीच जो भारतीय की अर्थव्यवस्था है उसकी क्या हालत है, तो आपको पिछली वीडियोस में हमने बातचीत की थी कि भाई
पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके लक्ष्य क्या क्या हैं, है ना, उन पर बातचीत हो चुकी थी। कृषि पर भी बातचीत हो रही थी। हरित क्रांति को हमें विस्तार से देखना था। तो देखिए, हरित क्रांति पर भी हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे द्वितीय चरण तक। तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण, पहला चरण हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था। द्वितीय चरण, HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा। पहले चरण में कुछ ही राज्यों तक सीमित था और कई फसलों को भी लाभ हुआ। पहले वाले में सिर्फ गेहूं चावल को लाभ हो रहा था, यहाँ कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से, किसके प्रसार से, टेक्नोलॉजी के प्रसार से, भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हुई। नाउ आप समझ सकते हैं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज्यादा है आज की परिस्थिति में, आज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में, आज के परिवेश में, आज की इस बढ़ती हुई जनसंख्या में, कम से कम संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल दिखाई देता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के सहारे भारत क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, दूसरे चरण में, हरित क्रांति के दूसरे चरण, जब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे, अब मतलब द्वितीय चरण के बाद, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे, तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझिए, आपने जो भी उत्पादन किया उसको आप ही ने खा लिया, है ना, जो जो अनाज उगाया उसको आपने खा लिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर तभी असर पड़ता है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर तभी असर पड़ेगा, जब आपके पास अधिशेष बचेगा, उत्पादन का अधिशेष। अधिशेष मतलब सरप्लस बचता है, और सरप्लस बचेगा तो उस सरप्लस से क्या होगा, हम उसे बाजारों में बेच पाएंगे। और घरेलू बाजार में तो बेचेंगे ही, अगर आपने उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच दिया तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार हो जाता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के। जब तक अधिशेष नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा, किसान भले कितना भी उगा ले, खुद ही खा रहा है, खुद ही उगा रहा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थव्यवस्था पर। यही पर देखिए, दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके, तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी जैसे बताया, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। विपणन, विपणन मतलब बाजार, विपणन मतलब मार्केटिंग, बाजार, है ना, अधिशेष कहलाता है। अधिशेष मतलब सरप्लस। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। कौन? हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इस समय हरित क्रांति काल में खुद के लिए भी उगा रहे थे और बेच भी रहे थे। बात है, इसलिए अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, मतलब अर्थव्यवस्था में थोड़ी वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत में, इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। ठीक है, खाद्यान्नों की मतलब गेहूं चावल की कीमतों में कमी आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा उगने लगा। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले, अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। जो निम्न वर्ग होता है वो ज्यादातर खर्च कहाँ करता है, भोजन पर, है ना, बहुत बड़ा आय, क्योंकि उसके पास कम आय है तो ज्यादातर किस पे ध्यान देगा, भोजन पे। और भोजन में भी अगर उसका बचने लगे तब तो किसी और चीज में ध्यान देगा, तो भोजन प्राप्त करने के लिए उसे कम खर्च करना पड़ रहा था हरित क्रांति के बाद, इसलिए उसको लाभ हुआ निम्न वर्ग को, है ना। हरित क्रांति कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। बफर स्टॉक कहते हैं,
बफर स्टॉक मतलब आप भविष्य के लिए इसमें रख रहे हैं, जैसे कभी बाढ़ आ गई, महामारी आ गई, कुछ भी हो गया, कोरोना हो गया, तो आपको इसमें क्या होता है, बफर स्टॉक में जो आपने भंडार रखा है उसका ही आप वितरण करते हैं, है ना, इमरजेंसी के टाइम में। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, बहुत फायदेमंद था, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। हरित क्रांति से देश बहुत क्या हुआ, लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह क्या है, निरापद नहीं है। निरापद मतलब पूरी तरह से सफल नहीं है। एक जोखिम यह था, क्या जोखिम था, इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित ताकतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। समझ गए? इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक थी ना। ऐसी दशा में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए कुछ उपायों के कारण यह आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। यहां से जो जोखिम है, ये एक संभावना है, रिस्क है, हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, छोटे किसानों को नुकसान या मझोले किसानों को नुकसान, उनके पास पैसे क्या होते हैं, कम होते हैं, और कम पैसे में जो उन्होंने रिस्क लिया है, अगर उसमें ये सारी दिक्कतें आ जाए, कीटनाशक वगैरह, कीटाणुओं का आक्रमण, कीटनाशकों नहीं, कीटों का आक्रमण हो जाए, तो ये ध्यान में रखें कि उनको पूरा नुकसान हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण यह आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने कुछ उपाय किए, सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर, कम ब्याज पर छोटे किसानों को ऋण दिए, लोन दिए, उर्वरकों पर भी सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को यह आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गए। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गए। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। ठीक है, छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से मतलब हाँ, छोटे जो किसान थे, सरकार से सहायता मिली, उनके छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों में पैदावार के बराबर हो गई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, बड़े किसानों को तो लाभ हुआ ही, छोटे किसानों को लाभ हुआ सरकार के द्वारा निम्न ब्याज दर पर ऋण और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए। ध्यान रखिए, सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। क्या बात है, सरकार ने बहुत मदद की है छोटे किसानों की, सहायकी पर बहस, सहायकी आर्थिक सहायता। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। आर्थिक सहायता क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से वाईवी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायक आवश्यक थी। HYB के टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए और उसको अपनाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए सहायता तो आपको करनी पड़ेगी ना, नहीं तो प्रोत्साहित हो जाएंगे। प्रोत्साहित कैसे होंगे, किसान
प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम पूर्ण समझते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। किसान को लगता है कि अगर नई प्रौद्योगिकी हम अपना लेंगे तो हमें रिस्क हो जाएगा, हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख के लिए सहाय की आवश्यकता। सहाय की मतलब कि आप अगर नई प्रौद्योगिकी अपनाते हैं आपको नुकसान होता है तो सरकार क्या करेगी, इस नुकसान का वहन करेगी, है ना। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी की धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक बार टेक्नोलॉजी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद धीरे धीरे समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, यही नहीं, यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, सहायकी का ध्येय क्या है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है ना। यद्यपि सहायकी का ध्येय किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। मतलब मुद्दा क्या है कि भाई हम किसानों को लाभ पहुंचाएं, ठीक है, लेकिन लाभ असली मिलता किसको है, उर्वरक उद्योग को, है ना। और उर्वरक उद्योग से जो उर्वरक आता है उससे भी अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही लाभ पहुंचता है, छोटे किसानों को लाभ कम पहुंचता है। यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं, इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। लक्षित समूह कौन है, छोटे किसान, उनको तो कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर सरकारी कोष से खजाना खाली करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का ये मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। कुछ विशेषज्ञों का ये मत है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कृषि कार्य एक जोखिम भरा है, रिस्क भरा काम है, अधिकांश किसान बहुत गरीब है, सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा, समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा, समझ गए। समता एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे वे केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। बहुत बढ़िया बात है, देखिए इस तरह से अगर आप सोचते हैं, इस तरह का आपकी सोच, इस तरह के आपके विचार हैं, तो आप यूपीएससी बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी भी यही चाहती है, समस्या को खत्म करने से समस्या समाधान नहीं होती, रास्ते निकालने होते हैं उसी में, ताकि समस्या कम हो जाए, है ना। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से 1960 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादकता में क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय तक क्या आ चुके थे, हरित क्रांति आ चुकी थी, अभी बताया था मैंने, इसलिए खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर हो गए, गौरवपूर्ण उपलब्धि, बहुत प्राउड फील होता था इंडिया को। लेकिन एक नकारात्मक पहलू भी है कि 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। देखिए आजादी के समय तक कितनी थी, 75%, अभी पढ़ा था आपने पिछले वीडियो, 1990 तक क्या है, सिर्फ 65, मतलब 10 ही% की कमी आई, और 40 साल बीत गए। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। ये देखिए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान समझिए, देश संपन्न होता है, संपन्न देश या विकसित देश,
जिसकी अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है, जीडीपी में कृषि का योगदान कम, कृषि का योगदान कम और विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों का योगदान अधिक होता है, उसको विकसित कहते हैं। जिस देश की जीडीपी में कृषि का योगदान अधिक होगा वो तो गरीब देश होता है। क्यों? क्योंकि कृषि में ना जो मुनाफा होता है वो बहुत कम होता है। आपने कृषि में लगाया 100 रुपए, आपको मिला 300 रुपए, आपने लगाया 100 रुपए, मिला 300 रुपए, कितना आपको फायदा हुआ? 300 तो मिला, लेकिन 100 लगाया भी तो था आपने, इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 रुपये। फायदा तो यही हुआ ना आपको, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं। यही आप अगर उद्योगों में देखें, उद्योग में लगाएंगे 100 रुपये, फायदा होगा आपको 500 रुपये का कम से कम, कम ही बोल रहा हूँ, चलिए 600 कर देता, तो कितना फायदा हुआ? टोटल 500 रुपये फायदा हुआ उद्योग में। तो हमें किस में निवेश ज्यादा करना चाहिए? उद्योगों में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, तभी देश को भी फायदा होगा। इसलिए सरकारें कृषि में निवेश करने से बचती हैं, क्योंकि उसमें फायदा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? और जिसमें कृषि में अगर आप पूरी तरह से निर्भर हैं, तो समझ लीजिए आपको कितना कम फायदा है, और इतना कम फायदा है तो आपका देश कैसे विकसित होगा, समझ गए? भारत में 1950 से 90 की अवधि में, यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, जीडीपी में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई है 50 से 90 के अवधि में, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कमी नहीं आई। 1950 में कितनी जनसंख्या थी और 1990 तक घटकर 64% हो पाई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी ना। इस क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है में इतने श्रमिकों की आवश्यकता नहीं थी, कम श्रमिक भी काम चला सकते थे, बाकी श्रमिकों को आप उद्योग धंधों में लगा देते, ज्यादा फायदा होता है ना। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए, ध्यान रखिएगा, मतलब कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे वो सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में नहीं आ पाए, यही तो दिक्कत है। आ जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में, उत्पादन तो होता कम से कम। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इस स्लाइड में जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें 1990 तक भी हम कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, और उद्योग और सेवा क्षेत्र में तो लगभग कुछ भी नहीं ना, बहुत न्यूनतम। क्यों? ये सब कारण आप समझ गए। अब उद्योग की बात करते हैं, अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है, निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, किससे? उद्योगों से। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर कृषि के बाद अत्यधिक बल दिया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग, अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी, जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी, सूती वस्त्र और पटसन के उद्योग थे। अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग, ध्यान रखें, हमारे स्वतंत्रता में हमारे उद्योगों में क्या नहीं थी? विविधता, वैविध्य, वैविध्य नहीं था या विविधता नहीं थी। अगर ये रहती तो अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से होता। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष, हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए ना, सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत
भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, अब ये देखिए क्या कह रही हेडलाइन कि भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात हो रही है। तो जो नीति निर्माताएं थे उनके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास पैसा ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। रखिएगा, औद्योगिक सरकार ने क्षेत्र क्या भूमिका होनी चाहिए, इस तरह से मेंस में प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए। आप भी नीति निर्माताओं का ही तो हिस्सा है। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? नीति निर्माताओं का ही तो हिस्सा होता है। आप भी नीतियां बनाते हैं मंत्री के साथ, जो भी मिनिस्ट्री होती है। तो भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु तो उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी, है ना, प्रोत्साहन भी नहीं था। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया है सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े भाग दबा। अब आपसे पूछा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादातर ध्यान किस पर दिया गया, किस क्षेत्र में? द्वितीय में किस पर दिया गया? उद्योगों में, भारी उद्योगों में। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की नीतियों की अनुपूरक होंगी। अनुपूरक होंगी मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होंगी। सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा, है ना, और आज की सरकार क्या कह रही है कि निजी क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा, उल्टा हो रहा है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, आपने पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी कब थी? 1948 की पिछली वीडियो में। अब देख रहे हैं आपको नया 1956। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। ये ध्यान रखना, ये पूछा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार कौन सी नीति थी? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, क्योंकि पहली चली थी 50 से 55 तक, पहली पंचवर्षीय योजना। तो 56 से क्या चलेगी? द्वितीय। इससे आप लिंक भी कर सकते हैं। द्वितीय योजना में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया। ये भी प्रीलिम्स से पूछा सकता है, कौन सी योजना में समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम में वो शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था, दूसरे वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। दूसरे वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। ठीक है। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तीसरे वर्ग में वो उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। ध्यान रखिएगा, यहां से आप समझ लीजिए फिर से,
जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 थी, उसमें उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। में कौन से थे? सरकार का पूरा स्वामित्व था। दूसरा कौन सा था? जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेवारी राज्य की होती है। तीसरे वर्ग में कौन सा उद्योग है? जो निजी क्षेत्र, सिर्फ निजी में आते हैं। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। लाइसेंस नहीं मिलता था इतनी आसानी से। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी या लाइसेंस, जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया लाइसेंस का। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। ठीक है, समझ गए? वर्तमान उद्योग जो अभी चल रहा है उसको भी उत्पादन बढ़ाने या अपनी डाइवर्सिटी करने या कुछ नया करने के लिए उसको लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो। बात बहुत बढ़िया। देखो, चीजें तो थी लेकिन उनका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं किया गया, नहीं तो आज देश बहुत आगे होता। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। देख रहे हैं अर्थशास्त्र कितना काम करते हैं, है ना? लघु उद्योग की बात करते हैं। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, विलम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करवे समिति किसके लिए? ग्राम तथा लघु उद्योग में। कब ये समिति बनाई गई? 1955 में। इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों में किए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है, मतलब बहुत कम निवेश, ना? लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दी जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है, मतलब अधिकतम कितना आप निवेश कर सकते हैं। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, तब 1950। लेकिन ये 1950 की बात है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। एक समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। एक समय था जब 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं। लघु उद्योगों में लोग बहुत ज्यादा होते हैं, अर्थात तो उनमें बड़े पैमाने के उद्योग की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, लघु उद्योग में श्रम ज्यादा लगता है, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। लेकिन बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा ऑब्वियसली कैसे करेंगे? बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योग कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते, उनका उत्पादन इतना होता ही नहीं है, निवेश भी कम होता है, और बड़ी औद्योगिक फर्मों का निवेश भी उत्पादन दोनों ज्यादा होता है। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा करने के लिए क्या आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस उद्देश्य से अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। ऐसे आरक्षण की, अच्छा यहां से देखिए, अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया जाए, मतलब कई सारे उत्पाद हों जो सिर्फ लघु उद्योग ही बनाए, है ना, बड़े उद्योग ना बनाए। तो इस तरह से क्या होगा, अनेक उत्पादों को आरक्षित, ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं, है ना, उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी।
जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा तो कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण, व्यापार नीति, आयात की। उद्योग के बाद आ गए हम व्यापार नीति पर। ठीक है, हम 1950 से 1990 के बीच में जो अर्थव्यवस्था थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित, भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। ये ध्यान में रखिएगा कि औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध में रहती है। दोनों अलग अलग नीतियां हैं, व्यापार की अलग, औद्योगिक अलग। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, मतलब अपने अंदर ही व्यापार करना है। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन, आयात मतलब हम सिर्फ लाते थे सामान बाहर से, आयात कर सकते हैं मतलब अपने देश में हम लाएंगे, देंगे कुछ नहीं क्योंकि देने लायक हम है ही नहीं। तो इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। ठीक है, जो भी आयात करेंगे तो घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, घरेलू बाजार में बेचेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। ठीक है, आयात संरक्षण के दो प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क क्या था? आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है प्रशुल्क, जो हम वस्तुएं बाहर से मंगाते थे उस पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता। शुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। शुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करेंगे, मतलब अगर वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो आप खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो वो भाई मार्केट में वो प्रोडक्ट जो उत्पाद है वो बिकेगा नहीं, तो नुकसान होगा देश को। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, कोटे की बात है, प्रशुल्क की नहीं, जिन्हें आयात किया जा सकता है, कितनी मात्रा में हम आयात करना है उसको कोटा कहते हैं। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। क्या प्रभाव होता है इनका? आयात कम हो जाता है और विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। कहते हैं ना उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। संरक्षण की नीति किस धारणा पर थी? कि विकासशील देश जैसे भारत के उद्योग अधिक विकसित देश जैसे यूरोप द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे, ऐसा माना जाता था। तो जो प्लानर्स थे हमारे योजनाकारों को यह भी आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। ठीक है, तो हमारी योजनाकारों को क्या आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो विलासिता जो उपभोग की वस्तु जैसे एसी, फ्रिज, टीवी के वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है ना। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था, ध्यान रखिए 1980 के दशक तक, मतलब अभी आयात ही किया जा रहा है, सब कुछ आयात पर ही फोकस था, मतलब
हमारे देश में लाने पर ही फोकस था, यहाँ से कोई सामान बाहर भेजने पर कोई विचार नहीं किया गया था 1980 के दशक के मध्य तक। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही। अभी ध्यान में रखिए, आप प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं। औद्योगिक विकास पर जो नीतियों का प्रभाव था, वो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है। उल्लेखनीय मतलब ठीक ठाक रही, लेकिन संतोषजनक भी नहीं रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% से बढ़कर 24.6% हो गया। किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान पहले था 13, फिर बढ़ के 24 हो गया, थोड़ा बढ़ा। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब हमारी देश विकास करने लगा, विकास की रफ्तार पकड़ चुका था। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। यानी 1980 से 1950 से 90 तक के बीच में औद्योगिक क्षेत्र हर साल 6% बढ़ रहा था। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित थे, उस समय भारतीय उद्योग यही था। वस्तुतः तो औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन, संवर्धन पहले बता चुका हूँ आपको इस क्लास में, आप पहले भी देख लीजिएगा। से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने की पूंजी नहीं थी। लघु जो उद्योग थे उनका मॉडिफिकेशन किया गया, तो उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु तो पूंजी नहीं थी, है ना। तो छोटे लघु उद्योगों में वो पूंजी लगा सकते थे, बड़े उद्योगों में पूंजी नहीं लगा सकते। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से, विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिकी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्योगों निष्पादन की कड़ी आलोचना की। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी, शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। सरकारी जो उद्यम थे यानी उद्योग थे, कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूर संचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। ध्यान रखिएगा, 1990 के दशक तक, अंत तक यानी लगभग 2000 तक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबा टाइम। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है। जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, मॉडर्न ब्रेड। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र क्या कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। 4 दशक मतलब 1990, 1950 से 1990, 40 साल, 40 साल मतलब 4 दशक, 10 साल का 1 दशक होता है, के बाद भी अंतर नहीं किया गया। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। एक बात है,
अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने सार्वजनिक क्षेत्र सरकार की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन। ध्यान रखिएगा, भारी नुकसान के बाद भी सरकारी उपक्रम चलते हैं क्योंकि उनको बंद करना बहुत मुश्किल है, भले इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही है ना, फर्में जो हानि के कारण बंद, वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने होते। क्या लिखा हो ध्यान से देखिए, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का विकास होता रहे, निजी फर्मों का, इसका ये मतलब भी नहीं कि निजी फर्मों को हम लाभ दे रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक फर्मों को चला रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि निजी फर्मों को लाभ होता रहे, है ना। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो कामगार थे, अगर वो फर्म कमजोर हो गई, सरकार की जो फर्म है, सरकार की जो कंपनी है, अगर घाटे में चल रही है लेकिन नौकरियां तो हैं लोगों की, तो नौकरियों के संरक्षण के लिए का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे क्या हुआ, नुकसान उठाने वाले निजी फर्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगे, फर्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। ध्यान रखिए, बड़े उद्योगपति थे, अपनी नई फर्म शुरू नहीं करना चाहते थे लेकिन दूसरों को रोकने के लिए जरूर लाइसेंस प्राप्त करते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। परमिट जो लाइसेंस राज था, इसका कुछ ज्यादा ही नियमन था, नियम कानून था, इसलिए कुछ लोग जिनको लाइसेंस नहीं मिल पाता था वो कार्यकुशल नहीं बन पाते। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। ठीक है, उत्पादन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लॉबी ज्यादा बनाते थे, उनको बस दूसरों को दबाना होता था। इसलिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जा रही है जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की जो आलोचना है, आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। ठीक है, उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु तो कोई प्रेरणा नहीं थी। देखो, जो आयात होता था बाहर से, बाहर के देशों से जो हम संसाधन लाते थे उस पर प्रतिबंध था, तो जो भारतीय उपभोक्ता थे जैसे हम लोग, है ना, जिनको खरीदना पड़ता है वस्तुएं, वो जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे, है ना, मतलब आपको वही खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे, आपके पास चॉइस नहीं थी पहले। क्यों नहीं थी, क्योंकि आयातों पर क्या था, प्रतिबंध था। बाहर से आने वाली वस्तुएं जब प्रतिबंधित हो गए तो आपको अपने घरेलू वस्तुओं को ही खरीदना था। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है। आबद्ध मतलब ऐसा बाजार है जो बंधा हुआ है, बंधा हुआ, अतः उनके अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु तो कोई प्रेरणा नहीं थी, मोटिवेशन भी नहीं था, सब कुछ बंधा बंधा था। जब ये घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते, क्योंकि कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं थी, खरीदना वही था जो अपने देश में बनता है चाहे वो घटिया ही क्यों ना हो, और ऊंची कीमतें लगा पर बेची जाती क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी तो चीन ने यहाँ का मार्केट, भारत के मार्केट पे कब्जा कर लिया बाद में 1990 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद, एलपीजी के बाद। तो आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध किया।
आयात की जो कंपटीशन बढ़ने लगा तो हमारे जो फैक्ट्री के मालिक होते थे उन्होंने और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध्य किया गया। मतलब अब वो परेशान हो गए कि आयात में प्रतिस्पर्धा है तो हमें भी अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना। कुछ इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है वो लाभ नहीं कमाता है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मत था। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए तब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया और अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। ये बहुत बड़ा मोड़ है हमारी अर्थव्यवस्था में, एक लैंडमार्क हिस्ट्री मानी जाती है हमारी अर्थव्यवस्था में 1991। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही, ठीक ठाक रहा। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। पहले से उद्योगों में डाइवर्सिटी आ गई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बन गया, जैसा कि हमने देखा था। भूमि सुधार भी हुए, उनका परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियम के कारण उद्यम बढ़ती अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली, ठीक है। आत्मनिर्भरता के नाम पर क्या हुआ? भारतीय उत्पादकों का जो संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली, क्योंकि उनका संरक्षण, उन्हीं उत्पादों का संरक्षण किया गया तो विदेशों से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, अन्यथा नहीं किया गया। भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी, एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिनेरियो में बदलाव आ रहा था और ये महसूस किया जाता कि हमारे देश की आर्थिक नीतियों में भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी नीतियां क्या थी? अंतर्मुखी थी, है ना। इसीलिए एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा, सिर्फ आयात क्षेत्र पर फोकस किया गया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। यहाँ से अब आप कल के टॉपिक में देखेंगे 1991 की के बाद की आर्थिक नीति। आज हमने देखा 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था भारत की। सो लेट्स क्रैक इट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। NKSUS, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी की किसी क्लास, किसी भी कोर्स में, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।